एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता था। मैं दिखा रहा हूँ हाजीपुर पटना हाजीपुर फोर लेन जो 8 लेन बन रहा है, यानी न्यू एमजी सेतु और ओल्ड एमजी सेतु दोनों को जोड़ करके और 8 लेन बनाया जा रहा है। प्लस ये आगे में इस साइड ये 16 लेन का होगा। यहाँ पर टोल प्लाजा बन रहा है तो नीचे में मैं नहीं चलूँगा। मैं ये ओल्ड एमजी सेतु हो गया जिसे कि गैमन कंपनी ने बनाई थी और उस तरफ न्यू एमजी सेतु का काम चल रहा है जिसे कि एसपी सिंगला बना रही है। गैमन कंपनी हमारे बिहार का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर जो कि एम्स से दीघा तक है उसी ने बनाया है। और इस तरफ चलिए मैं दिखाता हूँ रोड का वर्क स्टेटस, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सॉइल फिलिंग करना है, मतलब 10 मीटर प्लस सॉइल फिलिंग करना है। दोनों साइड काम जोरों से चल रहा है तो मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए आप काम चल रहा है बड़े बड़े पियर का और दूर से दिख रहा होगा, इसका अपडेट मैं अलग से दूंगा और मैं आपको लेकर चलूंगा। ये सब जितना देख रहे हैं ये सब सॉइल फिलिंग होगा आगे तक। देखिए यहाँ तक घिरा हुआ है, साउंड और एयर वगैरह आ रहा होगा हवा का, क्योंकि हवा का झोंका बहुत तेज है, पछिया चल रहा है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं अपडेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिहार की डेवलपमेंट की तस्वीर को दिखा रहा हूँ। और इस तरफ साइट है, प्रोजेक्ट ऑफिस है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इस तरफ जहाँ सॉइल फिलिंग हो रहा है। तो देखिए आपके अभी ये जितना जगह देख रहे हैं सब सॉइल फिलिंग किया जाएगा और इतना हाइट पर किया जाएगा तो 10 मीटर प्लस है। और उस तरफ जो इतना धूल उड़ता हुआ देख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर टोल प्लाजा होगा और काफ़ी चौड़ा यहाँ पर लाइन होगा, मतलब 16 लेन में बता रहा हूँ तो उससे ज़्यादा हो सकता है। और ये ऑलरेडी 4 लेन है और इस तरफ 4 लेन बना करके 8 लेन का ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। और उसके अलावा जो पीछे होगा वो 16 लेन होगा, फिर पीछे में जो है कि जो काम चल रहा है 4 लेन ही 4 लेन करके 8 लेन रहेगा। तो चलिए वो मैं दिखाता हूँ। जिस हिसाब से धूल यहाँ उड़ रहा है अगल बगल वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी, कंपनी ने शायद इसका ख्याल नहीं रखा है, ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन चलिए मैं तो अपडेट दे रहा हूँ, जो कमी है वो बता रहा हूँ। कास्टिंग यार्ड में जोरों शोरों से काम चल रहा है, ये कास्टिंग यार्ड का बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सुनने में आया है कि यहाँ पर टोल प्लाजा होगा गांधी सेतु का। तरफ तो सॉइल फिलिंग भी कर दिया गया है और पानी का छिड़काव हो रहा है। इसी तरीके से पानी का छिड़काव होगा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन देख सकते हैं आपकी काफ़ी चौड़ा 4 लेन को बनाया जा रहा है, दोनों मिला करके 8 लेन हो जाएगा, बीच में डिवाइडर हो जाएगा वो अलग रहेगा। तो देखिए कैसे क्या होता है। वैसे ये रोड की बात करूँ तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है, पटना डिस्ट्रिक्ट और वैशाली डिस्ट्रिक्ट। जितना ये सब रोड देख रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा है न्यूज़ के द्वारा कि ये 8 लेन का रोड अलग रहेगा, प्लस जो है कि 2-2 लेन का सर्विस लेन अलग रहेगा। तो आगे चलिएगा तो और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अच्छे से। वैसे इस रोड की पूरी लेंथ है ब्रिज के साथ 14.5 किलोमीटर है और सिर्फ ब्रिज की बात करो तो 5.6 किलोमीटर है, और पिलर लेंथ की बात करो तो 242 मीटर ऐसा कहा गया कि है। टोटल जो 23 पिलर होगा वो एक्स्ट्रा डोज केबल होगा और फिर 10 अलग से है, यानी 33 है टोटल। और सिर्फ रोड की बात करो, ये सब जो रोड देख रहे हैं आप तो इसकी लेंथ दोनों तरफ मिला करके इस तरफ और उस तरफ 8.9 किलोमीटर है, जो कि 8 लेन मेन रोड रहेगा, वो भी पेपर के द्वारा ही मैं बता रहा हूँ। तो 8 लेन मेन रोड रहेगा प्लस 2 लेन सर्विस लेन रहेगा। देखिए जो ये बीच से डिवाइडर जो दिया हुआ है तो ये 8 लेन अलग रहेगा, फिर जिस पर मैं चल रहा हूँ जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो अलग रहेगा। मतलब एक तरीके से छोटा मोटा एक्सप्रेसवे समझिए आप, कि जो गाड़ी बाहर से आ रही है तो वो उससे बाहर निकल जाएगी पटना की ओर या छपरा की ओर, और ये सर्विस लेन अलग से रहेगा। और टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो रोड का पूरा कॉस्ट 2926 करोड़ रुपया ऐसा पेपर में है। तो देखिए आप रोड का काम जो हो रहा है, अभी मैं पासवान चौक साइड चल रहा हूँ तो डिवाइडर दिया जा रहा है। अभी ये पूरी तरीके से सॉइल फिलिंग होगा और एक ये हाइट पर रोड रहेगा, क्योंकि जो पासवान चौक है तो पासवान चौक के पास एक ब्रिज बन रहा है जो कि जंदाहा की रोड निकलती है, तो वहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है, तो इसीलिए ये पूरी तरीके से घेरा जा रहा है इसे। तो मॉर्थ इसका नाम लिखा हुआ था एसपी सिंगला के साथ।